हेलो फ्रेंड्स, सारिआं नूं मेरे वल्लों सति श्री अकाल। आज का वीडियो है इंडिया के हालात जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं COVID-19 की वजह से। तो देखते हैं वसीम बदामी जी ने क्या कहा इस वीडियो में। किस तरह एक ना नजर आने वाली चीज ने पूरी दुनिया के निजाम को रोक के रखा हुआ है। सब कुछ उसके आगे बेबस है, सब हैरान है, परेशान है, पूरी दुनिया का निजाम रोक के रखा हुआ है एक ना नजर आने वाली चीज। और ज्यादा दूर ना जाइए, हमारे पड़ोसी मुल्क का मंजर देख लीजिए, भारत का मंजर देखिए, नाकाबिल यकीन। अल्लाह ताला रहम फरमाए, हम सब ने वो मनाजिर देखे और हम सब देख रहे हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि क्या क्या गुजर रही होगी उन कुछ वीडियोज और तस्वीर की मैं बात करता हूँ जो कि खुद मैंने देखी, कि मैं सोचता हूँ क्या गुजर रही होगी उस माँ के दिल पर जिसकी मैंने वो तस्वीर देखी, कि वो कैसे अपने बेटे को रक्षे में डाले अस्पताल ले जाना चाहती थी, मगर उस बेटे ने अस्पताल से पहले ही उस माँ के जवान बेटे ने बूढ़ी माँ के कदमों में तड़प तड़प के जान दे दी। उस बहन की आवाज, और ये फिर कह रहा हूं ये कोई 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 50, ये तो कल 24 घंटे पुरानी बात है ना, ये किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट नहीं है। उस बहन की आवाज मेरे कानों में गूंजती है जो अस्पताल में चीख चीख कर अपने मुर्दा भाई को हिला हिला कर कहती रही अपने अंदाज में, अपनी जबान में, कि बाबूजी कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हुआ है। और उसके सामने वो चला गया। उस औरत का क्या आलम होगा जो 10 घंटे, और ऐसी कितनी और है मिसालें, वो एक अलग बात है, मैं तो उस एक की बात कर रहा हूं जो कि खुद देखी मैंने, जो 10 घंटे तक अपने बूढ़े शोहर को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के धक्के खाती रही, ना बचा सकी। मैंने देखा कि एक लड़की अस्पताल के एक वार्ड में जोर जोर से अपनी मरी हुई मां की लाश से लिपट कर बैन कर रही है और चीख चीख के कह रही थी कि देखो सिर्फ मेरी मां नहीं मरी बल्कि इस वार्ड में जितने मरीज है ना वो सब एक एक करके मर रहे हैं। दिखाया कि मुख्तलिफ बेड्स पर पड़े मरीज किस मुश्किल से ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेने की नाकाम कोशिश में शदीद अजियत से गुजरते हुए एक 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 करके मर रहे हैं। आप ने मुझे नहीं मालूम मंजर देखा है नहीं देखा, कि जो कि मैं नशर भी नहीं कर सकता वो मंजर, कि जो फिल्माया जा रहा है भारत की एक सड़क पे और जहां लोग उसी मंजर में आपको बिल्कुल ठीक नजर आते हैं और कुछ लम्हों बाद एक 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 करके गिरते चले जाते हैं और मरते चले जाते हैं। यानी कुछ लम्हात पहले जो लोग बिल्कुल ठीक हैं वो एक 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 करके गिरते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों को अस्पताल लाते हैं और अब अस्पतालों में लाते हैं, फिर उनकी मैयत वसूल करते हैं। कुछ लम्हात पहले एक शख्स अच्छा भला है और वो अचानक सांस लेना। अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात बताई। हम महावरतन कहते हैं, महावरतन कहा जाता है कि यार फला काम वो तो बहुत ही आसान है, इट इज एज इजी एज ब्रीदिंग, ये तो इतना आसान है जितना आसान सांस लेना। अल्लाह ताला ने बताया, मैं कोई इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा कि अजाब है आजमाइश है, वो तो उलमा बताएंगे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ये बताया कि कोई औकात नहीं है इंसान की, दो यानी इतनी तरक्की करने के बावजूद एक ऑक्सीजन का भी इंसान, यानी भारत में आज मामला ये कि जब ऑक्सीजन की वहां पर ट्रक्स आते हैं अस्पतालों को सप्लाई करने के लिए तो वो पुलिस मोबाइल्स की सिक्योरिटी में उनको लाया जाना पड़ता है ऑक्सीजन के सिलेंडर को। शमशान घाट कम पड़ रहे हैं। मैंने उस बेटी का बयान भी देखा कि जिसने अकेले अपनी मां को, जो उनका तरीकेकार होता है उसके मुताबिक दफनाया जलाया अकेले, ये वो रस्म होती है जिसमें पूरे का पूरा खानदान मौजूद होता है, कोई खानदान वाला था नहीं तदफीन के लिए। उस जवान बेटी ने अकेले लकड़ियां ला लाकर अपनी मां को दफनाया, खुद आग लगाई और आखिर में कहती है कि मेरी मां ने आज से 4 दिनों पहले अपनी जॉब से इसने इस्तीफा दे दिया था कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं जिंदगी का बकिया हिस्सा तुम लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ और आज मैं उसको दफना कर आई हूं। हर तरफ आग ही आग, यानी वो मनाज़िर तो आपने देखी कि हर तरफ आग ही आग लगी हुई, यानी हर 2 कदम पर किसी ना किसी लाश को जलाया जा रहा है। तो इसने, मैं फिर कह रहा हूं ये मुझे नहीं मालूम ये अजाब है आजमाइश है इम्तिहान है क्या है, वो तो उलमाए कराम बताएंगे, लेकिन 2 बातें जरूर इस सारी सूरत हाल ने बता दी। एक ये कि इंसान, मैं अपने अल्फाज में कहूं, कितना ही तुर्रम खान बन जाए औकात कुछ भी नहीं इंसान की, कोई औकात नहीं इंसान की। और दूसरी है कि ये दुनिया जिस पर हम कितना ही रिलाय कर लें सारा कुछ, लेकिन एक 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 लम्हे की बात है और सारे का सारा मंजर तब्दील है। जी लगाने की जगह नहीं है ये दुनिया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत
की जा है तमाशा नहीं है, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जहां में सो नमूने मगर तुझको अंधा किया रंगों ने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल लब सोने, जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सो अजीब वो गरीब मनाजिर है, ना काबिल यकीन मनाजिर, और हम तो पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी मसलक से हो, कुछ भी हो। आप ये एक मंजर भी अभी देखिएगा कि किस तरीके से वहां पर एक पुलिस एहलकार पुकार पुकार के फरियाद कर रहा है मुसलमानों से मुखातिब होकर कि आपके यहाँ माह रमजान मुबारक है, नमाजों का अहतमाम होता है, तरावी का अहतमाम होता है, उस वक्त दुआएं की जाती हैं, वो कबूल होती हैं, तो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये सारे मामला बेहतर फरमाए। जरा इसका भी एक अक्स देखिए। पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हो उसके लिए शुभेच्छा, आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज लेती है बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना हमारे शहर से हमारे देश से चले जाए। बेकस्मे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस्मे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर भबर सफीना, बेकस्बे करम कीजिए छाई है मुसीबत की घटा के सुवाले के सुवाले, लिल्ला को बचा रे, लिल्ला मेरी डूबती कश्ती को बचा रे, लिल्ला मेरी डूबती कश्ती को बचा रे, सोपे करम कीजिए। यहाँ ये भी एक पहलू जरूर जहन में रखिए कि इस सब का एक पहलू ये भी है कि अदम एहतियात भी इसकी वजूहात में से एक है, तो इसलिए इस बस में दो जुमले और फिर वसीम साहब आप एक खैर से इख्तिताम कर दीजिएगा कि एहतियात दुआ भी बहुत जरूरी है और दवा भी बहुत जरूरी है। भारत का जहाँ हमने आपको मामला बताया सरकारी जराए का, हर तीन लोग जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें से एक बंदा कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, अल्लाह अकबर। और पाकिस्तान में ये रियासती सतह पर कहा गया है कि अगर उस तर्ज की एहतियात ना की तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन हम में से कौन चाहेगा कि ये मनाजिर हम अपनी सड़कों पर देखें। हमें यहाँ का भी बहुत अफसोस है, जाहिर है, क्योंकि सब इंसान है चाहे उनका कोई भी नजरिया हो।
तो इसमें एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। और आइए बस सब मिलकर आज ये दूसरे अशरे का पहला दिन है, अल्लाह ताला से ये फरियाद करें और ये सब मिलकर दस्ते दुआ बुलंद करते हुए अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए भी और अपने मुल्क के लोगों के लिए भी दुआ करें कि तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो कर। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करो, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमान तेरे कब्ज़े में है, दो जहाँ सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता रखता है तू ही भरों, मेरे मौला करम हो करम। तो आज का ये वीडियो जो वसीम वदामी जी ने कहा है, इंडिया के जो हालात है, हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर उन्होंने जो कहा है वो बात सही है, और जो दुआ की है तो दुआओं की तो बहुत ज़रूरत है इस समय। तो मुझे तो ये वीडियो बहुत पसंद आई, यदि आप सबको भी पसंद आए तो मेरे चैनल में जाके मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।